हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं हो चुकी हूँ रेडी क्योंकि आज भी एक और शादी के लिए इनविटेशन है और प्रीतम का मन नहीं है जाने का क्योंकि तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बट बहुत सारे मेडिसिन देखे, हमने बोला कि वहाँ पे तो हमें वैसे भी शादी वादी कुछ अटेंड करने को मिलता नहीं, तो एटलीस्ट चलते हैं। तो वो भी रेडी हो चुके हैं, हम भी रेडी हो चुके हैं सभी, तो चलो चलते हैं। मैं आप लोग को वीडियो दिखाती हूँ आगे कैसा रहा शादी। तो ये रिसेप्शन पार्टी है, चलो चलते हैं। ओप्स, मैं भूल गई, आज मैंने फिर से अगेन एक एकदम इंडियन अटायर में रेडी हो चुकी हूँ। मैं अपना आउटफिट दिखाऊँ, उससे पहले मैं ये दिखाऊँ कि मैंने फूल भी लगाया है, आर्टिफिशियल है वैसे तो। और ये है मेरा आज का आउटफिट, चलो चलते हैं। सो गाइस, हम लोग पहुंच तो चुके हैं अपने लोकेशन पे, बट हम लोग आ चुके हैं गलत। हमें ये बाहर से जो है डेकोरेशन देख के लगा कि अंदर शायद शादी हो रही है, बट जब गए अंदर तो पता लगा कि वहाँ पे तो शादी नहीं हो रही, उसके बैक वाले साइड में यहाँ पे हो रही थी मेन शादी जिसमें हम इनवाइटेड थे। तो गाइस, आप लोग का भी वेलकम है हमारे फ्रेंड की शादी में अगेन। सो ये जो है एक दूसरे अंकल हैं जो मेरे फादर इन लॉ के ही फ्रेंड होते हैं, उनके बेटे की शादी है। तो अभी हम लोग उनके रिसेप्शन पार्टी में आए हुए हैं, तो अब आप आगे का देखो कि कैसे क्या रहा। सो गाइज, एक्चुअली क्या हुआ, एट अ टाइम सारे के सारे गेस्ट आ चुके थे न्यू ब्राइड एंड ग्रूम को गिफ्ट देने के लिए। तो ये जो है हम लोग अभी लाइन में खड़े हैं, जो कि मेरे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग था। आप देख सकते हैं मेरे आगे कितने लोग हैं, लंबी सी लाइन लगी हुई है सिर्फ ब्राइड और ग्रूम से मिलने के लिए, उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए, उन्हें गिफ्ट देने के लिए। तो ये रहे हमारे प्यारे से ब्राइड एंड ग्रूम, एंड उनके पीछे उनके पेरेंट्स भी थे, तो दोनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। एंड क्योंकि ये जो है बंगाली तो है वैसे, लेकिन शादी क्योंकि वाइजैग में हो रही है तो यहाँ का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है इस तरीके से। तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था कि ओके फाइन, लाइन में खड़े होके फिर हमें मिलना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी जो है काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, एंड फाइनली जो है ये हमारे आगे जस्ट एक ही फैमिली और है, ये पूरी एक फैमिली है। तो उसके बाद ये हम लोग आ चुके हैं फाइनली स्टेज में दुल्हा दुल्हन से मिलने के लिए। तो हम लोगों ने कॉन्ग्रेचुलेशंस किया, फिर फोटो क्लिक किया, तो आप लोग देखो इसको आगे। फोटो वगैरह सब कुछ क्लिक, एंड उसके बाद आगे हम लोग खाने के सेक्शन में। और खाने के सेक्शन में आके सबसे पहले मुझे ये एक कलरफुल सब बहुत ही सुंदर सा चीज दिखाई दिया, तो मैंने सोचा ये क्या है, तो मैंने सबसे पहले उसी को खाया। एंड खा के पता लगा ये तो मीठा आइटम है, मतलब डेजर्ट जो कि एंडिंग में खाना चाहिए, मैंने उसे सबसे पहले खाया। एंड ये फ्रूट सलाद जो है इसका बहुत ही सुंदर सा एक स्कल्पचर टाइप सा कुछ बना हुआ था। एंड उसके बाद मैं आ गई मेन मील में, एंड मेन मील में था इनका बिरयानी। एंड बिरयानी तो गाइस मुझे बहुत पसंद है, तो सबसे पहले मैंने वो लिया, एंड उसके साथ बाकी सारे आइटम्स भी थे वो सब कुछ मैंने लिया। एंड लेने के बाद मैं आ गई अपने टेबल पे, फिर मैंने अपने फादर इन लॉ के लिए भी खाना लिया, क्योंकि आप लोगों को पता है उनको हेल्थ इश्यूज है, तो वो इतना रिच खाना तो नहीं खा सकते, तो मैंने उनके लिए सिंपल सा चावल और दाल लिया था। एंड ये लो गाइस, आप लोग भी खाने को एंजॉय करो मेरे साथ में, और अब मैं भी खाती हूँ। तो आप लोग जो है वीडियो आगे का देखो, एंड डिनर करने के बाद फिर से हम लोग जो है डेजर्ट के सेक्शन में गए, तो मैंने ये लिया। तो ये थी जलेबी विद आइसक्रीम, ये कॉम्बिनेशन मैंने फर्स्ट टाइम खाया, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था। एंड फिर उसके बाद हम लोग आ गए इनके सेल्फी सेक्शन में, जहाँ पे जो है हम लोगों ने फोटोज वगैरह क्लिक करवाई। एंड अभी हम लोग अपने फादर इन लॉ की वेट कर रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ गुम हो गए। तो फाइनली वो हमें मिले, वो यहाँ पे एक अंकल आंटी इन लोगों से बातें कर रहे थे। सो गाइस, ये वाला जो सेक्शन था यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे फोटो क्लिक करवाए, जो आप मेरे इंस्टा अकाउंट में देख सकते हो। सो गाइस, हमने कर दिया है सबको बाय बाय, गुड नाइट, काफी रात भी हो चुकी है, अब हम जा रहे हैं वापस अपने कार के पास में। अब मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने ये जो एक शादी का माहौल देखा था, तो हमें लगा शायद यहीं पर हो रही होगी अंदर शादी, बट ऐसा नहीं था, तो हमने पार्किंग काफी दूर कर रखी थी। तो ये आप देखो, हम लोग जैसे पंडाल के पीछे से आए, एंड ये फाइनली रीतम आ गए कार लेके, एंड अब हम जा रहे हैं घर। तो हम तो गाड़ी में बैठ गए, लेकिन मेरे फादर इन लॉ जो है वो वॉक करते करते रास्ते में जाके खड़े हो गए, तो हम लोगों ने उनको फिर गाड़ी थोड़ी सी आगे बढ़ाई, एंड देन रास्ते से पिक किया, एंड करके उसके बाद हम जो है वापस अपने घर गए। एंड घर जाते हुए जो है ये स्टील प्लांट का कैंपस एरिया था, तो यहाँ पे ये आप देखो शिव मंदिर है, देन यहाँ पे आगे जो है साई बाबा मंदिर है,
एंड उसके बाद जो है यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल है। सो काफ़ी सारे मंदिर, और ऊपर से सिर्फ मंदिर ही नहीं, यहाँ पे मतलब मस्जिद भी है, गुरुद्वारा भी है, सब कुछ है इसके अंदर। ये रहा जगन्नाथ टेम्पल। एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपने घर। तो गाइस अपार्टमेंट का लगा दिया है गेट, और इधर मेरे फादर इन लॉ जो है रीतम को डायरेक्शन बता रहे हैं, क्योंकि रीतम को बैक करके पार्क करना है गाड़ी परफेक्ट से। एंड गाड़ी में से जो भी सामान था हम लोगों ने ले लिया है, अभी हम जा रहे हैं अपने लिफ्ट की तरफ। लिफ्ट से अभी हमें ऊपर जाना है अपने अपार्टमेंट में। तो ये रहे हम लोग सब, और अब आगे का वीडियो देखो। তোমাকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে বিয়েতে, কেমন লাগলো আজকে? सो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं घर वापस, और ये वीडियो छोटा सा है, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो जरूर लाइक सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड सभी एकदम ऐसे अच्छे से रहो, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। बाय बाय।